सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस एक्स्ट्रा लेक्चर। तो कक्षा के शुरू में मैंने बताया था कि किसी भी भाषा का हम प्रयोग करते हैं, उस भाषा का महत्व क्या है हमारी ज़िंदगी में, और जो महत्व भाषा का हमारी आम जिंदगी में है, कंप्यूटर के सिलसिले में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जो भाषा होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, उसका भी उतना ही महत्व। तो भाषा के महत्व के कुछ हिज्जे पुर्जे हमें समझने पड़ेंगे ताकि कंप्यूटर की भाषा हम अच्छी तरह समझ सकें। उसके बाद हमने कहा था कि कंप्यूटर से जब भी हम इंटरेक्शन करेंगे, तो आज का कंप्यूटर वो पुराना कंप्यूटर तो है नहीं 50 साल पहले का, जिसमें उसको हम हिदायत देते थे मशीन लैंग्वेज में 101011 ऐसा कुछ लिख के। आजकल का कंप्यूटर एक बड़ा ईजाद हो चुका है, तो उसको प्रोग्राम करने के लिए अनेक तरह की सुविधाएं उसमें हैं, उनका उपयोग करना पड़ता है। तो उनका उपयोग किस तरह से किया जाए ये भी सीखना पड़ेगा, जिसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो सीखे बगैर हम वो कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए जो कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट होती है, वो कंप्यूटर की क्या बेसिक कैपेबिलिटीज़ हैं वो देखेंगे, और उसको किस तरह से उपयोग किया जा सकता है वो देखेंगे। सो भाषा का महत्व आम जिंदगी में हम लोग समझते तो हैं, लेकिन इसके बारे में शायद हमने कभी सोचा नहीं पहले। तो इंसान का इतिहास अगर देखें आप, तो करीब करीब 70 लाख वर्षों का इतिहास है, 50 लाख से 90 लाख के बीच में आंका गया है ह्यूमन स्पीशीज़ का इवोल्यूशन, 70 लाख मानते हैं उसको। उस 70 लाख वर्षों में करीब करीब 60-65 लाख वर्षों तक आदमी इतर जीव जंतुओं की तरह जंगलों में भटकता था, शिकार करता था। आग का आविष्कार उसने कर लिया था, लेकिन भाषा का इजाद नहीं हुआ। तो भाषा का जन्म हुआ करीब करीब 15,000 से 20,000 साल पहले। उसके पहले आदमी भाषा नहीं बोलता था, इंसान जो अपन आजकल बोलते हैं वो भाषा धीरे धीरे पैदा हुई। वो हम लोग जो दुनिया से किसी भी इंफॉर्मेशन को देखते हैं, समझते हैं, तो उसको हम या तो आवाज़ का प्रयोग करते हैं, सुनते हैं, बोल सकते हैं, आँखों का प्रयोग करते हैं, देखते हैं और समझ सकते हैं, कुछ और सेंस भी होते हैं, हम लोग सूंघ सकते हैं, हम लोग छू कर समझ सकते हैं। लेकिन इन सब सेंसर्स में सुनने की और समझने की शक्ति और देखने की और समझने की शक्ति, ये सबसे ज़्यादा विकसित हुई आदमी हो। और इन दोनों को अब प्रयोग करके ही आदमी दुनिया भर की चीज़ों को देखता है, समझता है, सोचता है। जब हम लोग ऐसी अकेली नस्ल हैं दुनिया में जो भाषा का प्रयोग करते हैं, बाकी कोई भी जानवरों की कोई नस्ल प्रयोग नहीं करती, इसलिए हम आज इस परिस्थिति में। तो जहाँ तक बोलने की भाषा का सवाल है, हम लोग गले का इस्तेमाल करते हैं, आवाज़ निकाल सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि अपन सब लोग जब बड़े होते हैं बचपन से, तो पहले अपन भाषा बोलना सीखते हैं, लिखना नहीं सीखते, क्योंकि बोलने की जो देन है, ईश्वरीय देन, वो ईजाद करते हैं हम लोग, इवॉल्व करते हैं। तो बचपन में लोगों को देख देख के हम भाषा बोलना सीखते हैं, 4, 5, 6 साल तक हम बोलना सीखते रहते हैं। लेकिन एक बार बोलना सीख लिए, समझना सीख लिए, तो अपने को भाषा आ गई। उसके बाद में उस भाषा का प्रयोग ऐसा किया जा सके ताकि जो पहले ज्ञान लोगों ने इकट्ठा कर रखा है वो हम समझ सकें। तो पहले क्या होता था, खाली बोलने को आता था आदमी को, लिखने को नहीं आता था। तो इसलिए पुराने ज़माने में गुरु होते थे जो ज्ञान अपना रट के रखते थे और दूसरे पीढ़ी को बताते थे, और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ज्ञान बढ़ता था। लेकिन उसमें अगर कोई मान लो भूल गया तो वो ज्ञान गया, किसी ने बोलने में गलती कर दी तो ज्ञान का तोड़ मरोड़ हो गया, ठीक से नहीं पहुंचा। तो जब से लिखावट का इजाद हुआ है, और लिखावट 5,000 साल से पुरानी नहीं है इंसान के लिए, 5,000 साल पहले तक इंसान लिखना नहीं जानता था। और लिखने की कला जो है वो विकसित हुई कि लोगों ने पहले तो अपने गुफाओं में चित्र बनाए होंगे, फिर वो एक चित्र को देख के दो पीढ़ी बाद वाला भी समझ सकता था कि यह हिरण को मारने के लिए इस तरह का शस्त्र बना रहा है। तो फिर लोगों को ख्याल आया कि इस तरह से लिपिबद्ध कुछ किया जाए, तो पुष्ट दर पुष्ट आगे ज्ञान चलता रहे, और धीरे धीरे भाषा को लिपिबद्ध किया गया। और जब लिपि का इजाद हुआ, तब से ज्ञान बहुत ज़्यादा तेजी से इंसानों में फैल गया। ये लिखावट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं विजुअल फैकल्टीज, यानी देखने की और समझने की शक्ति, और पैटर्न ड्राइंग और रिकॉग्निशन ऑफ पैटर्न्स।
जब भी हम लिखते हैं तो वो एक ग्राफिक होता है, हम लोग क ख ग लिखेंगे तो इमीजिएटली हम लोग रिकग्नाइज कर लेंगे ये क है, ख है, ग है, लेकिन असल में वो क्या है, चित्र है, और वही चित्र हर एक कोई उसी ढंग से लिखता है इसलिए सब समझ सके। तो ये कन्वेंशन बन गया कि क इसी तरह लिखा जाए, ख इसी तरह लिखा जाए, और वो कन्वेंशन बचपन में हम लोगों को पढ़ाते हैं तो वो आगे जाके वो कन्वेंशन याद रहता। अब जैसे आप अंग्रेजी सीखेंगे तो उसमें ए बी सी डी लिखेंगे तो उसके शब्द अलग होंगे, भाषा अलग होगी, लेकिन उसका जो स्क्रिप्ट है वो भी अलग, तो वो फिर नए से सीखना पड़ेगा, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक एक भाषा सीख लेंगे तो दूसरी भाषा भी सीख सकते हैं, लेकिन ये जो पैटर्न है, ये जो लिखावट है, इसके कारण पुराना ज्ञान संचित करके रखने की क्षमता बहुत बढ़ गई। तो अभी हजार साल पहले भी अगर किसी ने कुछ लिख कर रखा है तो आज भी हम पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। इसी तरह मानव का इतिहास अब लिखा जा चुका है, किताबों का जब प्रचलन हुआ तो पहले तो हाथ से लिखते थे भूर्जी पत्र पे, फिर कागज आए, फिर पेन आए, पेंसिल आए, दवात आई, कलम आई, फिर उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस आए, और आजकल अभी देखिए आप सबके पास कोई तो भी प्रिंट आउट है, तो ये कंप्यूटर से प्रिंट करें या छापखाने में छापें, लेकिन जो छपा है वो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब वो मैंने लिखा है ये ताज़ा है, लेकिन अगर ये 500 साल पहले की किसी ने लिखा हुआ फिर से अगर प्रिंट कर दिया तो आपको 500 साल पहले जो ज्ञान था उसके बारे में भी जानकारी हो सकती। तो ये जानकारी देने की जो क्षमता इंसानों में है वो और कहीं नहीं है, केवल इंसानों में पाया जाता है कि कोई शिक्षक होता है, कक्षाएं होती है, विद्यालय होते हैं जिसमें बचपन से बड़े होने तक लोगों को पढ़ाई दी जाती, किसी भी और जानवरों की नस्ल में ये परंपरा नहीं। और इस परंपरा से फ़ायदा क्या होता है कि जो नई पीढ़ी होती है इंसानों की, उनको न केवल उनके माँ बाप से और साथियों से सीखने को मिलता है, लेकिन पुराना 5000 साल का जो भी ज्ञान निचोड़ के आया है वो भी पढ़ सकते, लेकिन ज्ञान इतना बढ़ गया है कि वो हर कोई हर ज्ञान नहीं पा सकता, तो इसलिए हम उसको डिवाइड कर देते हैं कि कोई कॉमर्स पढ़ता है, कोई इतिहास पढ़ता है, कोई इंजीनियरिंग पढ़ता है, आप में से कुछ सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, कुछ कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे, कुछ केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों का पढ़ाई हम कर सकते हैं। इसमें हर भाषा में नाउन्स होते हैं और वर्ब्स होते हैं, क्रियापद, हम हिंदी जब सीखते हैं तो कर्ता कर्म क्रियापद ऐसे बोलते हैं, तो नाम हम देते हैं जैसे टेबल है, कुर्सी है, पेंसिल है, कागज है, किताब है, फाइल है, कैबिनेट है, कबर्ड है, ये सब नाम हैं। ये नाम हम पढ़ते हैं तो हमें आंखों के सामने कुछ चीज़ दिख जाता है, कबर्ड बोलेंगे तो कपाट दिखेगा हमारे सामने, टेबल बोलेंगे तो ये टेबल दिखेगा, कुर्सी बोलेंगे तो कुर्सी दिखेगी, पेंसिल बोलेंगे तो हम, क्योंकि हमने ये चीज़ पहले देख के उनका मतलब समझ लिया है जब बचपन में हमने भाषा सीखी थी। तब उसी तरह जो क्रियापद होते हैं वो कुछ बताते हैं एक्शन लेने का, खाना पीना, दौड़ना, उठना, बैठना, इसका मतलब हम लोग समझते हैं, क्रियापदों का प्रयोग कैसे किया जा सकता है ये भी हम समझते हैं, लिखना पढ़ना, ये एडिट जो शब्द है, एडिट का हिंदी मुझे आता नहीं, लेकिन किसी ने कुछ लिख के दिया है उसको सही करना, वो गलत होगी उसकी गलती निकाल के उसको सही करना, इसको हम एडिटिंग बोलते हैं, प्रूफ एडिटिंग बोलते थे पेपरों के ज़माने में, न्यूज़पेपर के ज़माने में, पुट स्टोर रिट्राई यानी ये फाइल उठा के उस कपाट में रख दो या वहाँ से वो कोई कागज़ लेके आओ, ऐसा जब हम बोलते हैं तो हम जो भी इंफॉर्मेशन हमने लिखी है कागज़ पे उसको किस तरह से स्टोर किया जा रहा है, उसको किस तरह से निकाला जा रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। प्रॉपर नाउंस का हम लोग, ये प्रॉपर नाउंस ऐसे होते हैं कि जिनका हम चयन करते हैं खुद, ये भाषा ने नहीं बनाया नाम, ये हमने दिए हैं, तो जैसे आपका और हमारा जो नाम है वो हमारे माता पिता ने दिया हुआ, वो उन्होंने चयन किया होगा ये आज से मेरा नाम, ये आज से आपका नाम, उसी तरह जैसे मैंने कहा था सचिन, नर्मदा, एवरेस्ट, नागेश राव, ये सब नाम हमने दिए हुए रहते, इन नामों का हम जब चुनाव करते हैं तो उन नामों के कारण लोगों के मन में कुछ तो भी प्रतिमा दिखा, जैसे सचिन बोलेंगे तो आपको इमीजिएटली सचिन तेंदुलकर ही याद आएगा हिंदुस्तान, आप भले जर्मनी चले जाओ तो वहाँ शायद पता नहीं चलेगा, लेकिन जहाँ जहाँ क्रिकेट खेला जाता है वहाँ सचिन बोलेंगे तो वो सचिन तेंदुलकर याद है। अभी आप IIT में आ गए तो एकेडमिक ऑफिस बोलेंगे तो आपको तुरंत एकेडमिक ऑफिस पता चलेगा, केमिकल बोलेंगे तो आपको केमिकल डिपार्टमेंट नजर आए,
यानी जो प्रॉपर नाउन है ये हमें कुछ संदेश देते हैं। हर नाम जो है वो एक संदर्भ सूचित करता है, और किसी भी संज्ञा का मतलब जो है, किसी वाक्य का मतलब जो है, वो एक संदर्भ के कारण हमें ज़्यादा समझ में आता है। अगर संदर्भ हमें नहीं मालूम हो तो उसी वाक्य को 10 वाक्यों में बताना पड़ेगा पूरा अर्थ बताने, लेकिन छोटा वाक्य भी संदर्भ के कारण हम समझ सकते हैं। तो वाक्य जो बनाने की रीति है वो हम लोग नाउन और वर्ब, क्रियापद और संज्ञा इकट्ठा करके उनको प्रयोग करके हम बताते हैं। जैसे अब हमने लिखा कि नागेश डोसा खा रहा है, तो हमें हिंदुस्तान में होने के कारण डोसा भी मालूम है। नागेश शायद इंसान का नाम हो, क्योंकि पहली स्लाइड में हमने देखा नागेश राव करमली एक नाम लिखा था, तो इस संदर्भ से हम समझ सकते हैं कि नागेश नाम का आदमी कहीं डोसा खा। ईशान रिपोर्ट को एडिट कर रहा है, तो हम सोचते हैं ईशान भी कोई आदमी होगा, क्योंकि एडिट करने का काम तो इंसान ही करता है कोई, और एडिट कर रहा है ना, क्या कर रहा है, तो उस रिपोर्ट को सुधार रहा है, कोई गलती होगी उसको ठीक कर रहा है। 5 और 7 का जोड़ 12 होता है। अब ये 5 और 7 आंकड़े हैं, ये चूंकि हम बचपन में सीख चुके हैं तो इनका संदर्भ हम अंकगणित से लगाते हैं, और इनका जोड़ 12 होता है ये हमें मालूम है। अगर इस वाक्य को इस तरह लिखा जाए कि 5 और 7 का जोड़ 13 होता है, तो आपको संदर्भ चूंकि जोड़ का मालूम है इसलिए आप कहेंगे कि नहीं ये वाक्य गलत, तो आप सही गलत भी समझ सकते हैं उसमें, और पूरे वाक्य का अर्थ भी समझ सकते हैं। विकास मुझे CS 101 मिड सेमेस्टर की फाइल उस कबाट में से ला के दो। ये जब मैं वाक्य बोलता हूँ तो निश्चित है कि मैं एक विकास नाम के मेरे सहाध्यायी को कह रहा हूँ कि उस कबाट को खोलो, उसमें से एक फाइल लेके आओ। और दूसरे भी कई शब्द हैं, आर्टिकल्स हैं, प्रपोजिशंस हैं, हम उपयोग करते हैं उनका वाक्यों का अर्थ पूरा समझाने के लिए, लेकिन संदर्भ जो है वो सबसे महत्व का है। अब जैसे सचिन ग्रेट क्रिकेटर है, इसकी जगह हम खाली लिख दें सचिन ग्रेट है, तो हम यही मानेंगे कि सचिन ग्रेट क्रिकेटर। जैसे लिखा है मोहम्मद रफ़ी ग्रेट थे, तो मोहम्मद रफ़ी महान थे यानी क्या थे, वो कोई महान पॉलिटिकल नेता तो नहीं थे। तो संदर्भ चूँकि मौसीकी का होगा तो हम इमीडिएटली हमें याद आ जाएगा कि महान गायक थे। अगर हम ये लिखें सचिन C++ के प्रोग्राम अच्छे लिखता है, तो हम सोचेंगे, क्योंकि हम जान सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर शायद C++ प्रोग्राम नहीं लिखता, तो हम किसी और सचिन की बात करें। तो हो सकता है कि सचिन कोई एक स्टूडेंट है आप जैसा, 2 साल पहले एक कोर्स सीखा है, बढ़िया सी प्रोग्राम लिखता है। कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों को नहीं मालूम। अब ये जो संदर्भ है इसे लोकल संदर्भ कहेंगे, यहाँ का संदर्भ, और एक ग्लोबल संदर्भ। तो सचिन तेंदुलकर एक ग्लोबल संदर्भ है, और एक सचिन कोई तो भी यहाँ का संदर्भ। अब यहाँ जब बात होगी तो जे यहाँ का जो संदर्भ है उससे ही अर्थ निकालेगा। तो जब भी कोई 2 अलग अलग संदर्भ हो, तो जो छोटा संदर्भ होता है जिस सिलसिले में बात की जाती है उस संदर्भ के मायने निकालने में मतलब लेते, और वो अगर संदर्भ नहीं हुआ तो फिर ग्लोबल संदर्भ। कभी कभी ग्लोबल और लोकल दोनों संदर्भ कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं, तो लिखना पड़ेगा। तो फिर हमें लिखना पड़ेगा कि सचिन जो IIT में विद्यार्थी है वो अच्छे C++ प्रोग्रामिंग। यानी अगर संदर्भ ठीक से इमीडिएटली पता नहीं चल रहा हो तो संदर्भ को कहीं से तो भी लिखाना पड़े। हम लोग आगे प्रोग्रामिंग में देखेंगे कि किस तरह से इन संदर्भों के कारण हमारी संज्ञाओं का मतलब बदल सकता है, और कैसे कभी कभी हमें वो संदर्भ लिखना पड़ता, अगर नहीं लिखेंगे तो उसका मतलब शायद गलत हो जाए। तो भाषा के बारे में, हमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जो भाषा सीखनी है उसके लिए जो आवश्यक है वो ये है कि हमें यह मालूम हो कि जब हम नाम चुनते हैं किसी चीज़ का, जैसे इंसानों के नाम चुनते समय माँ बाप विचार करते हैं, वैसे हम प्रोग्राम में जो भी हम नाम लिखेंगे, जो संज्ञाएं लिखेंगे, उनका चुनाव करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि वो नाम कुछ तो भी संदर्भ अपने आप प्रकट करे। वो नाम पढ़ के ही लोगों को समझ में आ जाए कि किसके बारे में कुछ लिखा जा रहा। नाम, सर्वनाम, क्रियापदों का प्रयोग खाली हम बोली भाषा में करते हैं ऐसा नहीं, खाली ज्ञान बांटने के लिए करते हैं ऐसा नहीं। जो हम हमारे दिन रात के काम होते हैं उसमें जो भी हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को ठीक से रखने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए भी उसी भाषा का हम प्रयोग करते हैं। और इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन में भाषा का प्रयोग किस तरह से किया जाता है ये समझना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम कंप्यूटर का प्रयोग इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही करने वाले हैं, इन्फॉर्मेशन एनालिसिस के लिए ही करने वाले हैं। तो हमारी बोली भाषा में हम किस तरह से उसका प्रयोग करें अगर हम समझ लें, तो कंप्यूटर के प्रयोग के बारे में भी समझने में आसानी होगी। तो इसके लिए लिखा है कि जैसे हम लोग कैसी, अब आपके नोटबुक होंगे, अब नोटबुक आप याद कीजिए, 11 साल 12 साल आपने पढ़ाई करी स्कूल में, तो हर समय विषय के या तो अलग अलग नोटबुक्स लिखे होंगे उसमें,
गणित का इसमें लिखेंगे, इतिहास का इसमें लिखेंगे, अगर आपने अगर सब संभाल के रखे होंगे, ऑर्गेनाइज करके रखे होंगे। आज आपको पूछा कि आपकी छठी कक्षा में गणित की वही निकाल के बताइए, तो शायद आपको नहीं मिलेगी, खो खा गई होगी, बेचबाज डाली होगी, छठी की किताब का क्या फायदा। लेकिन जब दुनिया चलती है तो इस तरह नहीं चलती। अब आप किसी कचहरी में जाएं और बोलेंगे कि 20 साल पहले हमारे पिताजी ने उस गांव में 2 बीघा जमीन खरीदी थी, उसका कागज बता, अगर उसने कह दिया वो कागज तो खो खा गया तो कैसे होगा, तो उसको तो संभाल के रखना पड़ेगा। अच्छा, खाली संभाल के रख के ऐसी कागज के ऊपर कागज चढ़ाता चला जाएगा तो उसे मिलेगा नहीं, तो उसे ठीक तरह से उसको ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ेगा। ये 20 साल पुरानी फाइलें हैं, या 19 साल पहले, या 18 साल पहले, या 20 साल पहले की इस गांव की फाइलें हैं, या 20 साल पहले की उस गांव की फाइलें हैं, उस तहसील की फाइलें हैं। तो इस तरह से जो ऑर्गेनाइज करते हैं, हर फाइल के ऊपर नाम लिखेगा, नहीं तो ढूंढने में कितने साल लग जाएंगे उसको। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज इसलिए करते हैं, एक ढूंढने में आसानी हो, फट से मिल जाए, दूसरा ढूंढने के बाद जो हमें माहिती चाहिए वो तुरंत अच्छी तरह से मिल जाए, अच्छी तरह से लिखी हो, ऐसा नहीं कुछ यहाँ लिखा है, कुछ वहाँ लिखा है, कुछ वहाँ लिखा। ये जो ऑर्गेनाइजेशन हम लोग करते हैं अपनी साधारण जिंदगी में भी, इस ऑर्गेनाइजेशन का महत्व उतना ही है। अब आप जैसे नोट्स लेते हैं, आपने मान लीजिए एक ही नोटबुक रखी और उसमें सब नोट्स लेते गए, तो बाद में आपको खाली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के क्लासेस अगर ढूंढने हैं तो आप पन्ने पलटते जाएंगे कि एक उस तारीख का, एक उस तारीख का, एक उस तारीख। तो कुछ लोग क्या करेंगे ऑर्गेनाइज, या तो अलग अलग नोटबुक बना लेंगे, या फिर खाली कागजों पे लिखेंगे और घर जाके वो कागज अलग अलग फाइल में रख देंगे, ये प्रोग्रामिंग का है, या मैथ्स का है, या फिजिक्स का है। इस तरह से आपको जब भी कागजों की जरूरत पड़ेगी तो आपको फट से मिल जाए, ऐसा नहीं कि बड़ी एक नोटबुक में नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें आपका समय जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करने का मकसद यह है, समय को बचाना और किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाना या पहचान कराना, पुरानी अगर याददाश्त ताजी कराने के लिए। तो समय का बड़ा महत्व है, जल्दी जितना आप जल्दी कर सकते हैं और जितना सही समझ सकते हैं उतना ही आपकी इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन अच्छी। इस सिलसिले में मैंने एक उदाहरण लिया था कि जैसे मान लीजिए आप लोगों की परीक्षा हो गई, मिड सेमेस्टर की परीक्षा हो गई, उसमें पेपर आ गए, मैंने जाँच लिए और नंबर दे दिए हर एक को, कुछ तो मार्क्स दे दिए। अब उन मार्कों को मुझे इकट्ठा रखना है ताकि कोई विद्यार्थी अगर मुझे पूछे कि भाई मेरे कितने मार्क्स थे तो मैं बता सकूँ, ये आपका रोल नंबर, ये आपके मार्क्स। तो किस तरह से मैं ऑर्गेनाइज करूँगा, तो मुझे ऐसे जैसे रखना है, जो रिकॉर्ड रखना है उसको ऐसा रखना है कि हर एक का रोल नंबर रखना है, उसका नाम रखना है, उसकी एक लैब बैच रखनी है किस लैब में था। क्योंकि क्यों लैब बैच जरूरी है, कि मार्क्स का सवाल जो है कोई विद्यार्थी अपने टीचिंग असिस्टेंट को पूछेगा उस लैब में, क्योंकि हफ्ते में एक ही बार वो आएगा लैब में, तो जब आएगा तो उसी समय उसको सुविधा होगी पेपर के बारे में कुछ सवाल पूछे। तो उस लैब बैच का अगर वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है तो मैं आसानी से अपने टीचिंग असिस्टेंट को बता सकता हूँ कि भाई आपके लैब बैच के ये लोग हैं, आपकी ये हैं, ये आप ले जाइए। तो इस तरह से मुझे ये क्या इन्फॉर्मेशन मुझे रखना है ये भी सोचना पड़े। अगर मैंने लैब बैच नहीं रखी और पूरे 650 लड़कों की लिस्ट लगा दी, तो अभी वहाँ से कोई मुझे फ़ोन करेगा कि सर मेरे क्लास का एक स्टूडेंट पूछ रहा है, तो क्या स्टूडेंट है भाई, तो ये 600 नाम लो और ढूंढो कहाँ है, तो उसके बजाय उसको 20 नाम दे दिए कि ये आपके बैच के। ये अगर मुझे हिसाब रखना है, ये सब इन्फॉर्मेशन रखनी है, तो किस तरह से मैं डेटा को रखूँगा, किस तरह से लिखूँगा। तो ये सब चीज़ें मैंने एक तरीका ऐसा बताया था, अनशन तरीका है, कि मान लो मैंने कुछ इस तरह लिख दी इन्फॉर्मेशन। अब देखिए इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा कि किसके कितने नंबर हैं, कौन कौन सी बैच का है, रोल नंबर किसका है। अभी आप इन्फॉर्मेशन देखेंगे, कुछ नाम दिख रहे हैं 35, 43.5, ये आंकड़े शायद चूंकि मेरे मार्क्स 45 में से थे तो ये शायद मार्क्स हैं, लेकिन एक क्या है, दो क्या है, 22 क्या है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद में फिर कुछ चीज़ें हैं जो कॉमा 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 लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब क्या होगा। ये अनशन तरीके से अगर मैंने कहीं लिख दिया और कह दिया कि भाई मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन 600 स्टूडेंट की लिख दी, तो जैसे आप बोले खुद आप लिखे खुदा बाचे वाली बात है, अभी तो ये इसको खुदा भी नहीं समझते, कोई नहीं समझ। तो इस तरह से मतलब इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं रखनी चाहिए, ये हम समझ गए। किस तरह से रखे, तो एक तरीका जो हमने पिछले समय यूज़ किया था वो ऐसा था, इसके बारे में ये प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम जो है क्या है कि भाई एक स्टूडेंट का डेटा जो है हमें इकट्ठा कहीं नहीं मिल रहा है, तो हमको ये फिर से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा।
तो किस तरह ऑर्गेनाइज करें? तो हम फिर कुछ परंपराएं देखते हैं, ऑफिस में किस तरह से लोग रिकॉर्ड रखते हैं, एकेडमिक ऑफिस में किस तरह से रखते हैं, उससे हमें कुछ मान लीजिए मालूम नहीं तो हम सीख सकते हैं, या फिर हम खुद सोच के तरीका बना सकते हैं कि हम इस तरह से इंफॉर्मेशन रखें। तो हमने ऐसा सोचा कि भाई एक लाइन में एक विद्यार्थी का रिकॉर्ड लिखें, तो एक सीरियल नंबर लिखें, उसका नाम लिखें, उसके बाद उसकी रोल नंबर लिखें, नाम लिखें, फिर उसके बैच लिखें और मार्क्स लिखें। दूसरा विद्यार्थी आ गया तो वहाँ नहीं लिखेंगे, दूसरे लाइन में लिखेंगे, तीसरे लाइन में। आपने गद्य पद्य भी पढ़ा होगा, उसी तरह से ऑर्गेनाइज किया। तो मान लीजिए कि वो कहीं कॉमा लगाना भूल गए, या कहीं खड़ी लाइन वाक्य खत्म हुआ ये बताना भूल गए, तो कितना कन्फ्यूजन हो सकता है पढ़ने। तो इसी तरह से जो इन्फॉर्मेशन हम ऑर्गेनाइज करते हैं वो इस तरह से करें। तो इस तरह से अगर करी हमने इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज, तो हमें कुछ इस तरह के रिकॉर्ड मिले। ये रिकॉर्ड जो है इसको हम एक फाइल ऑफ स्टूडेंट मार्क्स ऐसा बोल सकते हैं। उस फाइल में हमने 650 स्टूडेंट्स के मार्क्स दर्ज किए हुए हैं इस तरीके से। ये कुछ सैंपल बताएं यहाँ पे, तो अब देखिए सीरियल नंबर 1, 2, 22, 56, 476, 651 ये सब स्टूडेंट्स के सीरियल नंबर है। तो नेचुरली जो हमारी फाइल होगी उसमें पूरे 850 लोग थे लास्ट ईयर, 850 लोगों के रिकॉर्ड, लेकिन हर लाइन में एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड, और हर लाइन में जो रिकॉर्ड है उसकी दूसरे हर रिकॉर्ड से कुछ समानता है। वो क्या समानता है कि हर लाइन में पहला एक जो आंकड़ा लिखा गया है वो सीरियल नंबर है, उसके बाद एक कॉमा है, उसके बाद जो लिखा गया है वो रोल नंबर है, फिर कॉमा है, उसके बाद जो लिखा गया है नाम है, फिर कॉमा है, उसके बाद जो लिखा गया है बैच कोड है, फिर कॉमा है, और उसके बाद जो लिखा गया है मार्क्स। इस तरह से हमने ऑर्गेनाइज करी है, लेकिन इसमें हमें कुछ दिखता है कि कहीं बीच बीच में कॉमा कॉमा आ गया है, इसका क्या मतलब हुआ? तो ये कॉमा कॉमा का मतलब हम इस तरह से निकालेंगे कि भाई ये जो बंदा है इसका नाम हमें नहीं मालूम, शायद नहीं लिखा होगा कहीं रिकॉर्ड में। तो जो भी कोई टीचिंग असिस्टेंट होगा जब भी ये स्टूडेंट आएगा उससे पूछ लेगा, नाम दर्ज करा लेगा। ये यहाँ पे कॉमा कॉमा है, इसका मतलब इसका बैच ही नहीं मालूम हमें, कौन सी लैब बैच में, शायद लेट रजिस्ट्रेशन क्या होगा। जैसे अपने क्लास में कल एक आया था, बोला मैं आज आया IIT में, तो मुझे तो अपना लॉगिन ID मालूम नहीं है, ID कार्ड नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, लेकिन वो विद्यार्थी है, क्लास में बैठा है, तो उसको लैब तो करनी चाहिए, उसकी कोई लैब बैच नहीं है तो कोई मुझे लैब बैच देनी पड़ेगी उसको। तो इस तरह से हिसाब रखने में पता चल जाता है कि कहाँ कुछ गलती भी है। यहाँ पे कुछ आंकड़े लिखे गए, जैसे -2 लिखा है, कहीं पे -3 था, तो ये -2 का क्या मतलब हुआ? अब मैं शिक्षक हूँ, मैंने निगेटिव मार्क्स तो कोई दिए नहीं है, तो मैं भी खुद हैरान हो जाऊँगा कि मेरे टीचिंग असिस्टेंट ने कैसे मार्क्स दे। तो जब मैंने पूछताछ की तो पिछले साल मेरे TA ने बताया कि सर कुछ लोग एबसेंट थे, अब जो परीक्षा में बैठे ही नहीं उनको हम कैसे बताएं? तो अगर हम 0 लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि उन्होंने परीक्षा दी और 0 नंबर आए, तो 0 भी नहीं लिख सकते। तो हमने कोई माइनस नंबर दे, किसी ने -1 लिखा, किसी ने -2 लिखा, तो ये माइनस मार्क्स नहीं है, लेकिन ये एक तरीके फ्लैग है, इंडिकेशन है कि भाई ये आदमी परीक्षा में नहीं बैठे। अब इसको कई अलग तरीके से भी लिखा जा सकता था, कोई स्टार लिख देता, कोई अंग्रेजी में एब्सेंट लिख देता, लेकिन चूंकि आखिरी में खाली नंबर लिखना थे क्योंकि मार्क्स हैं, तो कोई नंबर लिखा जाए कि जो सही मार्क्स नहीं हो सकता है तो कोई और मतलब निकले उसका, इसलिए -2 कर दिया। अब ये अपनी अपनी सोच है, कोई और शिक्षक होगा, कोई और TA होंगे तो कुछ अलग तरीके से लिखेंगे। ये सब हम क्यों इतना विस्तार से बात कर रहे हैं कि इसी तरह की इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन से हमारा पाला इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हर बार पढ़ने वाला है। जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन किस तरह से ऑर्गेनाइज की हुई है ये अगर हमें पता नहीं हो तो हम क्या प्रोग्राम लिखेंगे उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ के समझने। तो इसके लिए इस इन्फॉर्मेशन के बारे में किस तरह से लिखी गई है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लिखना ज़रूरी है। इसको बोलते हैं ये फॉर्मेटेड डेटा, बाद में हम देखेंगे कि इसको टेक्स्ट फाइल बोलेंगे कंप्यूटर की भाषा। तो टेक्स्ट फाइल जो है उसमें एक एक लाइन है, तो ये लाइनें हमने कई कागजों पे लिख के फाइल में रख दी। मान लीजिए एक हर लाइन जो है एक रिकॉर्ड बोलते हैं उसको, तो लाइन जब खत्म होती है तो हम विजुअली देखते हैं कि ये लाइन खत्म हो गई, कागज पे हम दूसरी लाइन पे लिखना चालू कर दें। कंप्यूटर में हम देखेंगे बाद में कि कैसा होगा, क्योंकि कंप्यूटर के पास तो पेज तो होता नहीं, वो ऐसे कुछ लिखता नहीं है, कंप्यूटर तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद सिंबल लिखता चला जाता है, तो उसके लिए ये कोई कागज पे आप नई जगह जाओ ऐसा कुछ नहीं रहता, तो कोई असाधारण सिंबल उसको वहाँ पे डालना पड़ेगा ये समझने के लिए कि भाई ये लाइन ये रिकॉर्ड खत्म हो गया।
उसको असल में न्यू लाइन कैरेक्टर बोलते हैं, जब हम बाद में देखेंगे क्लास। तो कंप्यूटर किस तरह से ये फाइल रखेगा वो हम समझ लेंगे, लेकिन हम इतना अभी समझ लें कि जिस तरह से हम रिकॉर्ड अलग अलग लिख रहे हैं वो अलग अलग रिकॉर्ड है, ऐसा हमें कंप्यूटर को बाद में बताना पड़े, और हर रिकॉर्ड किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है ये भी बताना पड़े। तो इसमें हमने लिखा है कि भाई ये फील्ड बनाए हैं, हर रिकॉर्ड में फील्ड्स हैं, पहले फील्ड में सीरियल नंबर है, दूसरे फील्ड में रोल नंबर है, तीसरे फील्ड में नाम है, इस तरह से। और ये फील्ड जो है हमने कॉमा दे के अलग अलग किए ताकि आपको समझ में आए, एक फील्ड खत्म हो गया दूसरा चालू हो गया, इसलिए दो कॉमा एक के बाद आ गए, इसका मतलब बीच के फील्ड की कोई वैल्यू है ही नहीं, हमें मालूम नहीं थी। तो इसको बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, कॉमा सेपरेट, कॉमा से सेपरेट करें। कोई जरूरी नहीं कि हम कॉमा यूज करें, हम सेमीकोलन भी यूज कर सकते थे, हम फुल स्टॉप भी यूज कर सकते थे, क्यों हमने फुल स्टॉप यूज नहीं किया आप सोच सकते हैं। हाँ, सेंटेंस खत्म करने के लिए फुल स्टॉप लगाते हैं साउंड का, लेकिन ये सेंटेंस भाषा का सेंटेंस तो है नहीं, ये तो रिकॉर्ड लिख रहे हैं हम लोग, इसमें माहिती लिख रहे हैं, हमने बोला हर फील्ड को वैल्यू है, तो ये कन्वेंशनल सेंटेंस नहीं। और कोई कारण देखिए, हाँ ये देखिए, अगर 45 में से 43.5 मार्क्स अगर किसी को मिले होंगे तो वो फुल स्टॉप आ गया तो बोले उसके मार्क्स खत्म हो गए 43। अब जो 0.5 है वो क्या है, वो ना आपके समझ में आएगा ना कंप्यूटर, क्योंकि फुल स्टॉप का मतलब अगर हमने कह दिया कि फील्ड खत्म हो गया या सेंटेंस खत्म हो गया, जैसे आपने कहा तो सेंटेंस गया, उसके 0.5 मार्क्स चले गए, उसकी शायद ग्रेड ए से भी हो जाए, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो वो फील्ड सेपरेटर जो है, वो सिंबल जो है, बहुत सोच के चुनना पड़ता है। ये कॉमा इसलिए चुना जाता है कि कॉमा अक्सर फील्ड के बीच में नहीं आता, जो हमने फील्ड्स लिखे हैं यहाँ, जैसे नाम है तो किसी का नाम कॉमा से आपने देखा है कि दीपक कॉमा फाटक, ऐसा कुछ तो नहीं होता। लेकिन ब्लैंक स्पेस क्यों नहीं चूज करते, ब्लैंक भी चूज कर सकते हैं। अब जब हम कागज पे लिखे तो खाली जगह छोड़ के लिखते हैं ना अलग अलग शब्द, तो अपने को समझ में आता है ये अलग शब्द है ये अलग शब्द है, बीच में खाली जगह रहती है, उसको ब्लैंक स्पेस बोलते हैं। तो स्पेस भी अपन यूज कर सकते हैं डिलिमिट करने के लिए, फील्ड को अलग अलग करने के लिए। ऐसे जो रिकॉर्ड होते हैं उनको बोलते हैं स्पेस डिलिमिटेड और ब्लैंक डिलिमिटेड रिकॉर्ड्स, यानी कॉमा डिलिमिटेड रिकॉर्ड्स, तो कॉमा का प्रयोग किया अलग अलग फील्ड बताने के लिए, और ब्लैंक का प्रयोग किया तो ब्लैंक डिलिमिटेड रिकॉर्ड। एक होता है टैब डिलिमिटेड रिकॉर्ड, एक टैब की होती है टाइपराइटर में, टैब दबाए तो एक स्पेस नहीं छूटती, 4-5-6 स्पेस छूट जाती। तो ऐसे अलग अलग फील्ड्स अगर हम टैब दे के लगाएं तो टैब डिलिमिटेड हो जाएगा। तो ये जो स्प्रेडशीट नाम की जो यूटिलिटी रहती है कंप्यूटर में, उसमें अगर आप डेटा फीड करें, जो कई हमारे TAs जो सब लोग करते हैं रोल नंबर वगैरह रखने के लिए, उसके बाद से बताए भाई हमें एक टेक्स्ट फाइल बना के दो क्योंकि हमें कंप्यूटर से एनालिसिस करना है, तो वो जो टेक्स्ट फाइल बनाएगा वो कॉमा डिलिमिटेड फील्ड जो होते हैं वो सबसे कॉमन होते हैं, इसलिए कॉमा डिलिमिटेड फील्ड। इसके बारे में इसके बाद में वो फाइल का नाम चूज करना पड़ेगा, तो जो जिस फाइल में हमने सब कागज लिखे हैं रखे हैं उस फाइल को कुछ नाम देंगे ताकि मेरा असिस्टेंट है जल्दी से निकाल सके फाइल, तो हमने उसको नाम दिया मिड सेम मार्क्स। कंप्यूटर में जब इस तरह की फाइल हम देंगे तो उसको बोलेंगे मिड सेम मार्क्स .txt, txt होता है टेक्स्ट, वो हम आगे देखेंगे जब कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे तब। लेकिन मैं आपको सिमिलैरिटी बता रहा हूँ कि हमारी नॉर्मल जीवन में जिस तरह से हम इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करेंगे, करीब करीब उसी तरह की इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन हमें करना है कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देने के लिए और उसे प्रोसेस करवाने के लिए। अब इसका जो प्रयोग है इसमें कुछ नियम हैं, तो नियम बताए गए यहाँ पर कि हर रिकॉर्ड जो है उसके ये 5 फील्ड्स हैं, पहला सीरियल नंबर है, फिर रोल नंबर है, फिर स्टूडेंट का नाम है, फिर उसके लैब बैच का कोड है, और फिर आखिरी में उसके मार्क्स लिखेंगे। तो ये जो माहिती लिख रहे हैं किसके बारे में, ये कोई डेटा नहीं है, एक्चुअल रोल नंबर या ऐसे मार्क्स नहीं है, ये डेटा के बारे में डेटा है, किस तरह से हमने डेटा को ऑर्गेनाइज किया है ये समझाने का ये डेटा है, जो लाइन है इसको बोलते हैं मेटा डेटा। यानी फील्ड के नाम क्या है, उस फील्ड में कौन सी वैल्यू आ सकती है कौन सी नहीं आ सकती, ये सब जो हम लिखते हैं ये क्यों लिख के रखते हैं कि मान लीजिए 3 साल बाद कोई एक वो फाइल पड़े तो उसको भी समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा था। तो फाइल में तो डेटा है, उस डेटा के बारे में जो डेटा होगा वो एक अलग कागज पर लिख के, तो एक समझ लीजिए जैसे ग्रामर होता है भाषा का, वैसे ये डेटा का ग्रामर है एक तरह से, या डेटा किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है उसका ग्रामर। तो लैंग्वेज का ग्रामर तो एक ही होता है पूरी भाषा के लिए, लेकिन डेटा का जो डेफिनेशन है मेटा डेटा जो है
वो हर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग होगा, तो किसी ने और कहीं किसी तरह इसके रखे होंगे तो वो मेटा डेटा उसका डिस्क्रिप्शन वालों लिखे, जब किसी ने सीरियल नंबर लिखा ही नहीं, पहला फील्ड उसका रोल नंबर है तो लिखेगा मेरा पहला फील्ड रोल नंबर है, दूसरा नाम है, तीसरे मार्क्स हैं और चौथी लैब बैच है। तो जिस तरह से कोई भी ऑर्गेनाइज करे उस तरह से उसको ये मेटा डेटा लिख के रखना पड़ेगा, और इसके बारे में अधिक जानकारी भी लिखी जाती है कि जैसे ये 8 कैरेक्टर का कोड है, जैसे आप लोगों ने बताया आपके 9 कैरेक्टर्स हैं रोल नंबर में, जो नंबर है वो 45 या उससे कम होने चाहिए। ये क्यों इन्फॉर्मेशन जरूरी है, मान लीजिए किसी ने लिखते हुए गलती करी और 35 की जगह 65 लिख दिए, अब उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम लिख दिया उसमें फीड कर दिया तो उसकी ग्रेड तो ए से भी ऊपर चली जाएगी, लेकिन 65 मार्क्स तो गलत हो गए। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो कोई भी दूसरा क्लर्क चेक करते समय बोल सकता है कि भाई ये गलत है, 65 नहीं हो सकते क्योंकि 45 सबसे ज्यादा हो सकता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई इंसान चेक कर सकता है, उसी तरह हम कंप्यूटर प्रोग्राम जब लिखेंगे तो कंप्यूटर प्रोग्राम में भी हम ये हिदायत दे सकते हैं, ये हर एक फील्ड की वैल्यू पढ़ो, उसको देखो कि ये इस रेंज में है कि नहीं, 45 से ज्यादा हुई तो हमें इंफॉर्मेशन दो, एक मैसेज दो भाई ये गलत है कुछ, तो फिर आदमी जाके देखे, फिर से पेपर देखे, करेक्ट करे। तो इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है इसका वैलिडेशन भी बहुत जरूरी है, और जो हमें इंसानों के ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है फिर कंप्यूटर के साथ भी उतना ही जरूरी, क्योंकि कंप्यूटर अंततः कंप्यूटर कौन सा डेटा प्रोसेस करेगा, हमारा ही डेटा प्रोसेस करेगा, क्या जवाब, क्या सवाल के जवाब देगा, CPI निकालो, ग्रेड निकालो, यानी जो हम काम करते हैं उसी काम में सहायता करने के लिए कंप्यूटर, कोई अलग से तो है ही नहीं। तो इसके लिए कंप्यूटर प्रोग्राम में भी हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा जब हम प्रोग्राम लिखेंगे बाद में। अब हम इंसानों की भाषा के प्रयोग के बारे में एक और चीज़ समझने की कोशिश करें। अभी तक हमने देखा इंसान माहिती को, इन्फॉर्मेशन को किस तरह से, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, अब हम ये देखेंगे कि इंसान एक दूसरे को हिदायत किस तरह देते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप कुछ ये काम करें या आप किसी और को हिदायत देना चाहते, किस तरह से हम लोग हिदायत देते हैं, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने का मतलब है कंप्यूटर को हिदायत देना। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इसीलिए समझने वाले हैं कि किस तरह से कंप्यूटर को हिदायत, तो कंप्यूटर को हिदायत देने के पहले अगर हम ये सोच लें एक बार फिर से कि हम एक दूसरे को किस तरह से हिदायत देते हैं, शायद उसमें हमें कुछ समझ में आएगा कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फिर किस तरह किया जा सकता है। तो अब इसका मैंने एक उदाहरण लिया है कि भाई एक कोई तो भी थर्मामीटर लगा है यहाँ पे और उसमें से मैं टेम्परेचर पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये थर्मामीटर जो है अमेरिका में बना हुआ है, वहाँ पे फ़ारेनहाइट यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ फ़ारेनहाइट यूज़ नहीं करते। अब आज का टेम्परेचर अगर न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो आप लिखेंगे 24 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, तो आप इमीजिएटली समझते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर, तो आपको कभी 90 डिग्री अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ होगा तो आपकी आंखें चमक जाएंगी, क्योंकि 90 डिग्री में तो आप बॉयल होना शुरू हो जाएंगे, तो इसका मतलब 90 डिग्री सही नहीं होगा हमारे हिसाब से। तो हमने अगर फ़ारेनहाइट में पढ़ा है तो हम ये चाहते हैं कि उस फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कोई बदल के दे दे हम, तो हम किस तरह से हिदायत देंगे। तो एक फ़ारेनहाइट की वैल्यू को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए हम शायद कुछ इस तरीके की वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ 3 हिदायतें लिखी हुई हैं, ये मेरा कोई तो भी एक सहाध्यायी वहाँ बैठा है उसको मैं काम देना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे जो मैं तुमको एक नंबर दूंगा, वो नंबर क्या होगा कि जो मीटर पे रीडिंग आई है वो 90 भी हो सकता है, 80 हो सकता है, 100 हो सकता है, 50, जो भी नंबर, मैं आपको एक नंबर दूंगा, आप वो नंबर ले लीजिए, फिर उस नंबर को, वो नंबर फ़ारेनहाइट में डिग्री है, तो उस नंबर को आप इस तरीके फार्मूला यूज़ करके सेंटीग्रेड में चेंज करिए। ये मेरी दूसरी हिदायत है, पहले आप मुझसे एक नंबर लीजिए, फिर उस नंबर में ये फार्मूले में लगाइए F-32 × 5/9 और इससे सेंटीग्रेड कैलकुलेट कीजिए, और तीसरी हिदायत दूंगा कि जब आप कैलकुलेट कर देंगे तो आप मुझे वो कागज़ दे दीजिए, कागज़ में लिख के, तो मैं पढ़ लूँगा। ये इतनी 3 इलाबोरेट हिदायत कभी भी आपने और हमने दी नहीं होगी किसी को। आपको अगर फ़ारेनहाइट का डिग्री सेंटीग्रेड में चाहिए तो आप अपने दोस्त को पूछ रहे तो क्या बोलेंगे आप, ये बोलेंगे अरे यार 90 डिग्री आने क्या मतलब हुआ, इतना ही बोलेंगे। अब वो फ़ारेनहाइट में है ये शायद वो भी देख रहा है, वो आपको जानता है इसलिए समझता है कि आपको फ़ारेनहाइट समझ में नहीं आ रहा है तो आप सेंटीग्रेड में चाहते हैं, चूंकि आपका साथी है उसे फार्मूला मालूम है, तो वो इमीजिएटली बोल देगा अबे 90 यानी 22 डिग्री, जो भी 23 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री।
ये वो क्यों बोल सकता है? क्योंकि उसे संदर्भ मालूम है, आप किस संदर्भ में उसे हिदायत दे रहे। आपने उसे भले एक पूरा हिदायत खाली, ये उसको मालूम नहीं है कि ये आप मीटर पढ़ के आ रहा है कुछ, तो भी फिर भी उसको आपने ऐसा कहा कि अरे 90 डिग्री फेरनहाइट यानी कितना होता है, ये एक सवाल पूछा आपने, या आप हिदायत देना चाहते थे अरे भाई 90 डिग्री फेरनहाइट के सेंटीग्रेड बताओ, ये एक हिदायत काफी होगी। ये हिदायत क्यों काफी होगी? क्योंकि आपका दोस्त फेरनहाइट सेंटीग्रेड सब समझता है, आपके दोस्त को आपने 90 ये वैल्यू एकदम दे दी एक ही समय में, और वो कैलकुलेट मन में करके आपको उत्तर दे सकता है मुंह जबानी, तो इसलिए आपको उसे ये बोलने की जरूरत नहीं कागज पे लिख के दो, उसको ये भी बोलने की जरूरत नहीं कि मैं आपको कागज पे लिख के एक नंबर दूंगा वो नंबर फेरनहाइट होगा, उसके बाद आप ये फॉर्मूला कैलकुलेट करो और फिर आप कागज पे लिख के दो, ये कोई जरूरी नहीं। लेकिन मान लीजिए कि आपका दोस्त यहां पे नहीं है, कोटा में, आप यहां, और फोन नहीं है, खाली पोस्टल सर्विस है, तब आप उसको क्या हिदायत दोगे? पहले उसको ये 3 हिदायत आप लिख के भेजो, और मान लीजिए कि वो आदमी फेरनहाइट वगैरह नहीं जानता लेकिन गणित जानता है, हो सकता है आप इसी तरह से हिदायत दे कि भाई मैं हर रोज आपको एक नंबर कागज पे लिख के भेजूंगा, वो फेरनहाइट में वैल्यू होगी, वो दोपहर तक मुझे फैक्स कर देना उसकी कागज में लिख के वैल्यू, मुझे कैलकुलेशन नहीं आते। तो ये हिदायत आप उसे हर रोज नहीं देंगे, आप एक ही बार हिदायत दे दी उसको, ये 3 हिदायत मैं दे रहा हूं, कल से आपको नंबर आना शुरू हो जाएंगे, जब भी मैं नंबर एक कागज में लिख के फैक्स करूंगा आप ये हिदायत लेना। पहले हिदायत क्या है कि भाई जब नंबर दूंगा आप तो पढ़ लेना उसको, उसको एक फॉर्मूला का कन्वर्ट करना, उसका उत्तर कागज में लिखना, मुझे दे देना। अब ये थोड़ी डम टाइप की इंस्ट्रक्शन से हमारे साथी या हम खुद भी इतने डम नहीं होते, लेकिन इस उदाहरण का केवल एक मकसद है आपको समझाना कि कंप्यूटर से जब हम बातचीत करेंगे तो कंप्यूटर को कुछ इस तरह से हिदायतें देनी। और एक आप ख्याल रखें कि ये हिदायतें इसलिए नहीं लिखी जा रही हैं कि केवल आपको एक फेरनहाइट का सेंटीग्रेड करना है, वो तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लें, लेकिन आपको 10,000 बार ऐसी अगर कैलकुलेशंस करनी है तो 10,000 बार कैलकुलेशंस आप हर बार आपको हिदायत देती रहने की जरूरत नहीं है। एक बार हिदायतें आपने लिख दी, एक बार प्रोग्राम लिख दिया, फिर वो प्रोग्राम अपने आप चलता रहे। अब ये हम कंप्यूटर के बारे में बात किए थे कि कंप्यूटर का जो कंप्यूटर्स की दुनिया होती है वो भी 50 सालों से बड़ी ईजाद हुई, जैसे इंसान इवॉल्व हुए हैं 70 लाख वर्षों, कंप्यूटर 50 वर्षों में ही बढ़ गए, क्योंकि हमें तो भगवान ने बनाया, भगवान धीरे धीरे बनाता है सब चीज़ें, कंप्यूटर को हमने बनाया और हमें जल्दी बड़े रहती है, तो हमने बड़े जल्दी जल्दी उसको बना के बड़ा मशीन बना दिया। अब उस मशीन को समझने के लिए हमें क्या जानना जरूरी है? तो उसमें यह है कि कंप्यूटर के जो कमांड्स होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं उसके लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। हम क्यों कंप्यूटर्स यूज़ करना चाहते हैं? क्योंकि हमें कुछ कंप्यूटेशन करना है, कंप्यूटर का मतलब कंप्यूट करो, तो किस तरह से कंप्यूटेशन करेंगे? आपने गणित में क्या क्या सीखा है? अलजेब्रिक इक्वेशन सीखें, साइमल्टेनियस इक्वेशन सीखें, 2 वेरिएबल में इक्वेशन नहीं सीखे, एक्स और 2x + 3y = something, 5x + 7y = something, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू ये, y की वैल्यू है, किस तरह से करते हैं? एक इक्वेशन को कुछ मल्टीप्लाई करके दूसरे में ऐड करके, एक कोई तो भी कैंसिल कर देते हैं आप x या y, ठीक है। अब मान लीजिए आपके 2 वेरिएबल नहीं है, 10 वेरिएबल है और 10 इक्वेशन दिए, करो सॉल्व 10 वेरिएबल, कितना समय लगेगा? 2 इक्वेशन का सॉल्व करने में कितना समय लगता है आपको? 2 मिनट। तो 10 का 10 मिनट में हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये उदाहरण बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं क्लास में कभी नहीं बताया, लेकिन जब मैं इसके सिलसिले में बात करूंगा तब बताऊंगा। अगर 2 वेरिएबल को सॉल्व करने में 2 मिनट लगते हैं तो 10 वेरिएबल को सॉल्व करने में 10 मिनट क्यों नहीं लगने चाहिए? लगने चाहिए ऐसा मुझे लगता है, लेकिन नहीं लगते हैं, ज़्यादा लगते हैं, आप सब समझ सकते हैं। इसका मतलब ये जो है कि 2 वेरिएबल की प्रॉब्लम और 10 वेरिएबल की प्रॉब्लम ये केवल 5 गुना कॉम्प्लेक्स नहीं होती, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी नॉन लीनियरली बढ़ती है। जैसे जैसे वेरिएबल बढ़ते हैं वैसे समय ज़्यादा 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 तेज़ी से बढ़ता जाता है। अगर 100 वेरिएबल दे तो आप क्या करेंगे? हाँ,
आप फिर इतिहास पढ़ना शुरू कर देंगे कंप्यूटर की वजह, आपने गणित की वजह। इस तरीके से जो न्यूमेरिकल एनालिसिस के प्रॉब्लम है क्यों लगते हैं 100 वेरिएबल के सॉल्व करने के लिए, आजकल जो मॉडर्न डिज़ाइन होता है, अब आप जैसे कोई सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहा, सिविल इंजीनियरिंग में जो स्ट्रक्चर आजकल डिज़ाइन करते हैं, कितने स्ट्रक्चर के डायमेंशन क्या होना चाहिए, किस तरह से स्ट्रक्चरल पैटर्न्स होना चाहिए ताकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी की जा सके, बड़े डैम बनाए जा सकें, और उसमें ऐसा नहीं कि करोड़ों रुपए ज़्यादा लग के बना दिया आपने, आपको कीमत भी कम रखनी है, स्ट्रेंथ भी उसमें चाहिए। तो जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करते हैं वो एक तरीके का इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, यानी जो स्ट्रक्चर की जो पहुँच होती है, जैसे 10 मीटर का स्ट्रक्चर है तो हर स्ट्रक्चर को छोटे 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 भागों में बांट के उस छोटे छोटे भाग का एनालिसिस करते हैं, और उसके लिए साइमल्टेनियस इक्वेशंस और साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने पड़े। डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम है आपको? अब वो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन मेनी वेरिएबल, अगर साइमल्टेनियस अलजेब्राइक इक्वेशन में इतनी तकलीफ हो रही है तो 100 साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन करने में तो अपना तबला ही बच जाएगा, कैसे सॉल्व करें। तो वो जो न्यूमेरिकल एनालिसिस के टेक्निक्स हैं वो पहले न्यूटन के टाइम में लोग हाथ से कैलकुलेट करते थे साइमल्टेनियस इक्वेशन, कंप्यूटर जो है 100/100 की मैट्रिक्स का इन्वर्सन फटाक से कर देता है, मैट्रिक्स मालूम है आपको। अब ये चीज़ें उससे करवाने के लिए हमें प्रोग्राम लिखना जरूरी, तो कंप्यूटर का उपयोग एक तो कंप्यूटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा होगा, दूसरा होगा ये इन्फॉर्मेशन जो टेक्स्ट फॉर्म में लिखी है उसका एनालिसिस करें, 850 लोगों के मार्क्स हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा किस टॉप 10 स्टूडेंट्स कौन हैं, कौन से 20 स्टूडेंट्स हैं जिनको सहायता की ज़रूरत है उन्हें कम नंबर मिल रहे हैं, कौन सी बैच का परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया है, बैच का एवरेज क्या है, क्लास का एवरेज क्या है, ये चीज़ शिक्षक जरूर जानना चाहेगा। तो वो एनालिसिस कैसे करे, या तो हाथ से कैलकुलेट करे, या फिर कंप्यूटर को बोले कि भाई इनको मार्क्स में सॉर्ट करो तो टॉप 10 बता दो, फिर वो बैच वाइज टोटल करो, फिर टोटल का एवरेज निकाल के मुझे दे दो। ये अगर करना है तो मुझे कंप्यूटर प्रोग्राम इसके लिए लिखना पड़ेगा। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो जिनके लिए हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं, एक तो न्यूमेरिकल एनालिसिस करने के लिए, दूसरा टेक्स्ट डेटा हैंडल करने के लिए, और तीसरा उतने ही महत्व का एप्लीकेशन है एम्बेडेड सिस्टम। आप लोगों के पास सेलफोन होंगे, किसी के पास वो सेलफोन के अंदर एक कंप्यूटर बैठा हुआ है, आपका टेलीविजन लीजिए उसमें एक कंप्यूटर बैठा हुआ है, आप कोई कार देखे सड़क पर चलते हुए उसमें 10-20 कंप्यूटर पड़े रहेंगे, वो सब कंप्यूटर क्या करते हैं कि अपनी अपनी फंक्शनैलिटी उनको जो दिया रहता है वही काम करते हैं। तो जैसे मैंने क्लास में बताया था कि वॉशिंग मशीन है, तो आज के वॉशिंग मशीन में आप सेट करते हैं कि 15 मिनट तक इस तरह से घूमें, फिर 5 मिनट गर्म पानी डालें, फिर 10 मिनट वो कपड़े सोक करें, फिर साबुन डालें, इस तरह की हिदायतें आप दे सकते हो, इन हिदायतों का पालन कौन करता है। तो एक अंदर एक कंप्यूटर बैठा है उसमें एक प्रोग्राम लिख के रखा है किसी ने कि भाई जब कोई ये बटन दबाएगा तो ये वॉल्व खोल देना, 15 मिनट के बाद इसे बंद कर देना, तो कोई दूसरा बटन दबाएगा या कोई प्रोग्राम सिलेक्ट करेगा तो इस हिसाब से ऐसे ऐसे कर। तो वो एम्बेडेड सिस्टम को प्रोग्राम करने के लिए भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आना जरूरी। और कई एप्लीकेशन हो सकते हैं, स्पेस क्राफ्ट जा रहा है ऊपर, वो उसका कैलकुलेशन कितना कॉम्प्लिकेटेड रहता है, उसकी ट्रेजेक्टरी मालूम है कैसी ट्रेजेक्टरी रहती है सैटेलाइट की, चंद्रयान जब चंद्र की तरफ गया तो किस तरह से, ऐसा नहीं कि यहाँ से आपने बाण छोड़ दिया और वो सीधा चंद्र पे चला गया, हजार चक्कर तो उसने पृथ्वी के लगाया, फिर घूमता घूमता थोड़ी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर गया, और ऐसे समय में बाहर गया कि वो जब गुरुत्वाकर्षण से सटक गया तो जाके चांद पे चला गया। अगर 1/100 डिग्री का भी उसको फर्क पड़ जाता तो चांद की जगह शनि ग्रह की तरफ चला जाता। तो कैलकुलेशन बराबर सटीक होना चाहिए, कैलकुलेशन के फॉर्मूले बराबर होना चाहिए, ये सब कंप्यूटर्स के बगैर संभव नहीं। तो आज की जो मॉडर्न एप्लीकेशन है, हर एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं कंप्यूटर लगता है, और कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग जो है वो केवल कुछ लोगों को आने से काम नहीं चलेगा। हर फील्ड में जो साइंटिस्ट या इंजीनियर काम करता होगा उसे अपने अपने फील्ड के बारे में जो भी प्रोसेसिंग करना है इंफॉर्मेशन का डेटा का, उसको खुद को ही प्रोग्रामिंग आना पड़ता। जैसे स्ट्रक्चरल प्रोग्राम्स, आजकल जो बेस्ट स्ट्रक्चरल प्रोग्राम्स है वो कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं लिखते, सिविल इंजीनियर्स लिखते हैं। द बेस्ट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स आर रिटन बाय सिविल इंजीनियर्स, द बेस्ट केमिकल प्लांट सिमुलेशन प्लांट ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम्स आर रिटन बाय केमिकल इंजीनियर्स। तो हर फील्ड में जो जो अपना इंजीनियरिंग या साइंस पढ़ता है वो अपने अपने प्रोग्राम्स खुद ही लिखता है, सहायता लेता है कंप्यूटर साइंटिस्ट की अलग लोगों की, क्योंकि आजकल कोई भी बड़े प्रोग्राम जो एक आदमी नहीं लिख,
دس پندرہ بیس لوگ مل کے لکھتے ہیں. یہ سب چیزیں ہمیں سیکھنا ہے اس کورس میں. کچھ تتھیہ ہیں کمپیوٹر کے بارے میں, آپ سب لوگ سن کے جانتے ہوں گے, ایک بار اس کا ریویژن کر رہے ہیں ہم یہاں, کہ کمپیوٹرز جو ہیں وہ ڈیجیٹلی اسٹور کرتے ہیں انفارمیشن, اپنی کرپٹک لینگویج میں لکھتے تو نہیں, ان کے پاس کوئی سمبل نہیں ہوتے کھ گ اے بی ایسا کچھ, تو اپنی ڈیجیٹل بھاشا 0110 میں اسٹور کرتے ہیں, اور وہ میگنیٹک ڈسک ہوتی ہے اور ڈسک کے اوپر فائلیں اسٹور کی جاتی ہے. ابھی ہمیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ وہ سمبل کیا رہتے ہیں, ڈسک میں کس طرح سے چلتا ہے, بعد میں دیکھیں گے کورس میں کبھی تو, لیکن اتنا جان لیں کہ کمپیوٹر ڈسک میں جو ہے اپنی سب انفارمیشن رکھتا ہے. پھر اس کے بعد کمپیوٹر کا ایک کی بورڈ رہتا ہے, ایک ماؤس رہتا ہے, ایک مانیٹر رہتا ہے, یہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں, میں نے فلم میں بھی بتایا, آپ نے دیکھا بھی ہوگا, کل کچھ لوگ آئے انہوں نے دیکھا ہوگا. اس کے اندر کچھ کمپلیکس سرکٹس ہیں, اس سے پروسیسر بنتا ہے, تو ہم جو بھی انسٹرکشن دیں گے کمپیوٹر پروگرام میں, وہ انسٹرکشن کا ایگزیکیوشن جو ہے کہ نمبر ایڈ کرو, اس میں سے اس کا اس سے گنا کرو, یہ جو بھی ہمارے انسٹرکشن ہے وہ پروسیسر ایگزیکیوٹ کرے گا, اور پروسیسر ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اس کے بعد ایک کمپیوٹر کی میموری رہتی ہے, اس میموری میں ہماری ڈیٹا ویلیو جائیں گی, تب وہ انسٹرکشن اسے پروسیس کر پائے. تو کمپیوٹر میں ایک تو ڈسک ہے جس میں ہمارے جیسے فائلس ہیں, ٹیکسٹ فائلس ہیں, خود ہماری جو انسٹرکشنس ہیں, جو ہدایتیں ہیں, وہ جو پروگرام ہیں, وہ سب فائلیں جو ہیں وہ ڈسک میں رہیں گی. اگر ایک پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے تو کمپیوٹر کو وہ پروگرام میموری میں لانا پڑے گا, اور میموری میں پھر وہ انسٹرکشن ایک کے بعد ایک اس کا جو پروسیسر ہے وہ ایگزیکیوٹ کرے گا, اور وہ ایگزیکیوٹ کرتے سمے اگر اس انسٹرکشن کو کسی ڈیٹا کی ضرورت پڑی, جیسے کوئی انسٹرکشن لکھا ہے ان دو نمبروں کو ایڈ کرو, تو وہ میموری میں جا کے دو نمبر لے کے آئے گا, ان کو ایڈ کر کے پھر سے نمبر ادھر رکھ دے. جنرلی یہ جو پروگرامس رہتے ہیں, سب طرح کے پروگرام, کسی بھی طرح کا کوئی بھی پروگرام ہو, اس کو سافٹ ویئر بولتے ہیں. وہ سافٹ ویئر اس لیے بولتے ہیں کہ کمپیوٹر کا مانیٹر جو ہے, ڈسک جو ہے, پروسیسر جو ہے, اس کو ہارڈ ویئر بولتے ہیں, تو کوئی دوسرا نام دینا, اس لیے سافٹ ویئر بول دیں. اب یہ سافٹ ویئر نام کامن ہو گیا, تو سافٹ ویئر کا کوئی مطلب نہیں, سافٹ ویئر ہے نا کسی طریقے کا پروگرام. تو اب اپنے واشنگ مشین میں بھی جو پروگرام لکھا ہے وہ بھی سافٹ ویئر ہے, وہ سیٹلائٹ کمپیوٹیشن کے لیے جو پروگرام سیٹلائٹ کے اندر ہے وہ بھی سافٹ ویئر ہے, جو آپ کا بڑا کمپیوٹر گراؤنڈ کنٹرول ہے وہ بھی سافٹ ویئر ہے, جو آپ پروگرام لکھیں گے وہ بھی سافٹ ویئر ہوگا. یہ سب سافٹ ویئر الگ الگ جنرک نام ہے, کسی بھی طریقے کے پروگرامس کو سافٹ ویئر بولیں گے. اور فائنلی ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ ہم سافٹ ویئر کسی بھی بھاشا میں لکھیں, کمپیوٹر کو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا ڈائریکٹ, کمپیوٹر کو وہی بھاشا سمجھ میں آتی ہے جو اس جس کے لیے اسے ڈیزائن کیا رہتا ہے, اس کو بولتے ہیں مشین لینگویج. بہت پرانے زمانے میں جب کمپیوٹرز نئے نئے پیدا ہوئے تھے, پیدا کیے تھے انسانوں نے, تو ان کو مشین لینگویج میں ہی انسٹرکشن دی جاتی تھی, کوئی دوسری بھاشا نہیں تھی. تو مشین لینگویج وہ سرکٹ ڈیزائن کرتے سمے کسی ڈیزائنر نے بول دیا تھا کہ آپ اس کو 01 بولیں گے تو نمبر ایڈ کرے گا, اب 10 بولو گے تو سبٹریکٹ کرے گا, اب 11 بولو گے تو ملٹیپلائی کرے گا, اس طرح سے کوڈ اس نے بنا دیا. پھر میموری بھی جو تھی, اس کو میموری کو بھی ایسے اپن نام دیتے ہیں, اے بی سی ڈی سم, اس طرح کے کوئی نام نہیں تھے, وہ نمبر رہتے تھے. یہ ڈراورس جو میں نے بتائے تھے ایگزامپل میں ڈمبوں کے, تو ڈراورس میں نمبر ہوتے تھے, 000 یعنی یہ ڈراور, 001 یعنی یہ ڈراور, 010 یعنی یہ ڈراور, بائنری میں سب ان کو بولتے تھے ایڈریسز, جیسے نام ایڈریس ہوتے ہیں اسے نمبر ایڈریس, اور سب انسٹرکشن جو ہے وہ بالکل اسی طرح لکھی جاتی, 0110 1101, وہ نارمل لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی, جو کمپیوٹر سائنٹسٹ ہوتے تھے ان کو ہی سمجھ میں آتی. اس لیے آپ اور ہم جیسے لوگ, جیسے الیکٹریکل یا سول کے کوئی پرابلم سالو کرنا ہے تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں یہ کمپیوٹیشن کرنا ہے, آپ پروگرام لکھ کے دو. تو دھیرے دھیرے لوگوں کو پتہ چلا کہ اس طرح سے کام نہیں ہونے والا, تو انہوں نے پھر اور سافٹ ویئر لکھا تاکہ کوئی دوسری سرل بھاشا میں لوگ کمپیوٹر پروگرام لکھ سکیں, ہدایتیں دے سکیں, اور ان ہدایتوں کو ہم مشین لینگویج میں اپنے آپ ٹرانسلیٹ کر سکیں. تو اس کے لیے نیا سافٹ ویئر بنا, اس کو سسٹم سافٹ ویئر بولتے ہیں جنریکلی. دوسرے بھاشا میں اگر ہم کمپیوٹر کے پروگرام لکھیں گے تو مشین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے اس کو ٹرانسلیٹر یا کمپائلر نام کا پروگرام لکھا گیا. آج کل کوئی بھی آپ کمپیوٹر خریدتے ہو, اس کا پروسیسر کوئی بھی ہو, اس کی مشین لینگویج پروگرامنگ کوئی بھی ہو, کوئی بھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ مجھے مشین لینگویج میں پروگرام لکھنا پڑے گا. ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں سی میں لکھوں, پاسکل میں لکھوں, جاوا میں لکھوں, یہ جو بھاشائیں کمپیوٹر کی ہم سنتے ہیں, ہم وہ بھاشا سیکھ لیں. وہ بھاشا سیکھ لیں گے تو آسانی ہوگی, کیونکہ وہ بھاشائیں ہماری بھاشاؤں جیسی ہیں, نیچرل لینگویج جیسی ہیں, سمجھنے میں دقت کم آئے گی. لیکن اگر اس بھاشا میں پروگرام لکھوں تو کمپیوٹر کو اپنے آپ نہیں سمجھے گا, تو اس کے لیے ایک ٹرانسلیٹر یا کمپائلر نام کا جو پروگرام ہے وہ بنا دیا ہے کہ
ये कंपाइलर प्रोग्राम हमारी भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को लेगा सी में या सी प्लस प्लस में और उसको पढ़ के समझेगा, फिर वो मशीन इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा कि भाई ये प्रोसेसर के अंदर तो ये है, उसको ये भाषा समझ में आती है। तो हर हिदायत जो हमने दी है वो उस हिदायत में कन्वर्ट कर ले और ये अपने आप करके जो मशीन इंस्ट्रक्शन में प्रोग्राम हो जाएगा वो आपको दे देगा भाई ये प्रोग्राम आपका चलेगा। तो बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे किसी ने अंग्रेजी में लेक्चर दिया, आपको हिंदी आती है, अंग्रेजी समझ में नहीं आई, तो आपने बोला कि फाटक प्लम का ट्रांसलेटर है, तो जो भी अंग्रेजी में बोला गया उसे हिंदी में बताओ हमें, तो मैंने उस अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया, अब आपको समझने में आसानी हो रही। ठीक उसी तरह से हम सी में या सी प्लस प्लस किसी भी प्रोग्राम लिखे, कोई ट्रांसलेटर, खाली वो ट्रांसलेटर आदमी नहीं है, वो भी एक प्रोग्राम, और वो प्रोग्राम आप और हम नहीं लिख सकते, वो खाली कंप्यूटर साइंटिस्ट लिखेंगे जिसको कंपाइलर बोलते हैं। इस कंपाइलर के अलावा आज के कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करने के लिए और प्रोग्राम्स की जरूरत है। अब एक कंप्यूटर में देखिए 30-40 लोग पिल पड़ेंगे, एक डिस्क में अलग अलग फाइलें रखी हुई, एक मेरी फाइल है, एक आपकी फाइल है, एक इनकी फाइल है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं जाऊं और आपकी फाइल डिलीट कर दूं, तो इसके लिए मेरी फाइलें अलग रखनी पड़ेंगी, आपकी अलग रखनी पड़ेगी, इन चीज़ों को कौन देखेगा, आदमी तो नहीं देखेगा, तो इसके लिए अलग प्रोग्राम बनाए गए, उन प्रोग्रामों का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम यानी और एक तरीके के प्रोग्राम्स जो मैनेज करते हैं, खाली मैनेजमेंट करते हैं, कोई काम नहीं करते, न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं करते, टेक्स्ट प्रोसेसिंग नहीं करते, ट्रांसलेशन भी नहीं करते, खाली मैनेजमेंट करते। तो किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं, ये मैनेजमेंट जो है ट्रांसलेटर, कंप्यूटर मैनेजमेंट और दूसरी यूटिलिटी, इस तरह का जो भी प्रोग्राम है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, एज अपोज टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम और आप जो प्रोग्राम लिखेंगे उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे और इस चीज को सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो कल जैसे आप में से कुछ लोग वहाँ कंप्यूटर पे गए होंगे तो वहाँ पे पहले लॉगिन स्क्रीन आया, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये किस तरीके की मैनेजमेंट करती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ लिखा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का नाम शायद आपने कई बार सुना होगा, देखा भी होगा, क्योंकि हर जगह पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट है, विंडोज़, यूनिक्स दूसरी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जो तीन नाम लिखे हैं HP UX, Solaris और IBM AIX, ये तीन बड़ी बड़ी कंपनियों के अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। IBM यानी IBM तो जानते हैं आप, HP यानी Hewlett Packard, IBM दुनिया की सबसे पुरानी कंप्यूटर कंपनियों में से। Solaris जो नाम है एक ऑपरेटिंग सिस्टम सन माइक्रोसिस्टम नाम की कंपनी थी, उसने बनाई थी। अभी पिछले साल सन माइक्रोसिस्टम को एक दूसरे कंपनी ओराकल ने खरीद लिया, तो वो ओराकल हो गई। लेकिन ये तीन ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम मैंने इसलिए लिखे हैं कि दुनिया भर के जो बड़े सर्वर्स हैं जिनके ऊपर बड़े कारोबार चलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर नहीं, कंपनी के लिए सर्वर काम करते हैं, जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, तो तमाम लाखों लोग जो आप इंटरनेट पर बुकिंग करते हैं आजकल टिकटों का, वो किस तरह से होता है, तो पीछे जो सर्वर है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करता है, उस तरह के जैसे रिकॉर्ड अपन ने रखे थे स्टूडेंट्स के मार्क्स के लिए, उस तरह से वो हर रेलवे के हर बोगी के कितने सीट्स हैं क्या है उसके रिकॉर्ड रखता है, उसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और वो जो एप्लीकेशन जो है वो कौन से बड़े सर्वर पे चलते हैं उनकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उनके ये नाम। तो ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स भी होते हैं उनके अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, हम लोग जो यूज़ करते हैं वो यूनिक्स का एक वेरिएशन है, उसका नाम है लिनक्स। ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी कोई लाइसेंस फी नहीं होती, ओपन सोर्स का मतलब लोगों ने लोगों के लिए बनाई हुई ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो भी बड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम है, अच्छी है, उसको कौन मेंटेन करता है, आप और हम तो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम नहीं लिखेंगे, तो किसने लिखे ये सब ट्रांसलेटर, किसने लिखी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऐसे ही आप जैसे हम जैसे कोई लोग हैं उन्होंने शनिवार रविवार को बैठ के इकट्ठा करके पिछले 20 सालों से काम चल रहा है, ओपन सोर्स कम्युनिटीज डेवलप हो अक्रॉस द वर्ल्ड, कोई जर्मनी में बैठा है, कोई चीन में बैठा है, कोई हिंदुस्तान में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, ये सब लोग नेट पे इकट्ठा होकर बोलते हैं कि हम लोग इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे, प्रोजेक्ट चल जाते। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में कम से कम 20,000 प्रोजेक्ट्स इस समय चल रहे हैं। आप में से कोई भी प्रोग्राम सीखने के बाद में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है कि चलो मुझे ये ओपन सोर्स में कॉन्ट्रीब्यूट करना, आपका नाम लग जाएगा उसमें कि भाई ये भी था डेवलप करने में, और वो डेवलपमेंट कोई भी यूज कर सकता है, उसको कोई लाइसेंस फी नहीं रहती। तो ये हम लोग लिनक्स यूज करते हैं, उसका नाम है Ubuntu वर्शन जो हम लोग यूज करेंगे। तो अब ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या करती है। ये आपके लिए इसलिए जरूरी है कि आप जब लैब जाएंगे कल से
तो लैब में आपको सबसे पहले द्वारपाल मिलेगा, कंप्यूटर के बाहर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब तक आप ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से यूज करना ठीक से नहीं समझ लेते, तब तक आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। हमारा और आपका मकसद यह है कि हम प्रोग्रामिंग सीखें और प्रोग्राम लिखें, लेकिन प्रोग्राम लिख के कंप्यूटर पे चलाने के लिए हम ये तो जान गए कि हमें कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी जो ट्रांसलेट कर देगा हमारा प्रोग्राम। लेकिन उस कंपाइलर को हम कैसे कंप्यूटर को बताएं, भाई ये कंपाइलर लगाओ ना, अभी हमारा ये प्रोग्राम ले लो, हमारी ये फाइल ये डिस्क में पड़ी है, ये हम कैसे बताएं? इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ थोड़ी जानकारी जरूरी। तो ये यहाँ बताया गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है। एक तो जैसे 100, 150, 500, 1000 यूजर्स होंगे, हर यूज़र को एक नाम दिया जाएगा, जैसे आपका यूज़र आईडी है, आपका रोल नंबर यूज़र आईडी है, आपको एक LDAP पासवर्ड करके पासवर्ड दिया गया है। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक फाइल सिस्टम मैनेज करती है, जो बड़ी डिस्क रहती है, एक नहीं रहती, 10-15 डिस्क रहती सर्वर पर, आपका कंप्यूटर उसके अंदर भी एक डिस्क रहेगी। एक डिस्क में हजारों लाखों फाइलें रखी जा सकती है, तो उन फाइलों का ऑर्गेनाइजेशन रहता है, डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी के अंदर और सब डायरेक्टरी, अलग अलग फाइलें। उसी तरह जो डिवाइस कनेक्ट रहते हैं कंप्यूटर को, टर्मिनल, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सब जो हैं इनका मैनेजमेंट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करती है। फिर आपके जो प्रोग्राम्स रहते हैं वो रन होते हैं, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम से ही रन होते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर कौन डालता है, उसको कौन बताता है कि ये स्टूडेंट है, इनका रोल नंबर ये है, इनका ये पासवर्ड होगा, ये जो लोग रहते हैं उनको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। वो ट्रेंड लोग रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे सीनियर एमटेक स्टूडेंट जो हैं वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम करते हैं, कुछ टेक्निकल स्टाफ है। तो जैसे अभी अपनी लैब शुरू होगी तो उसके लिए कंप्यूटर एनवायरमेंट को ठीक करना है, तो उन्होंने सर्वर पे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करी, उसके बाद जो ट्रांसलेटर आपको चाहिए, कंपाइलर चाहिए, वो लोड करे, फिर उसके बाद कितने स्टूडेंट हैं, इतने स्टूडेंट हैं, हर एक के नाम यूज़र नेम बनाया, यूज़र आईडी पासवर्ड बनाया, फिर इतने लोगों को अलग अलग होम डायरेक्टरी बना दी कि आपके जो प्रोग्राम है आपकी डायरेक्टरी में रहे, इनके प्रोग्राम उस डायरेक्टरी में रहे। ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ये काम करके कंप्यूटर सिस्टम को तैयार रखते हैं, उसके बाद ही यूज़र्स यूज़ कर सकते। अभी उसी तरह जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, तो रेलवे में जब कंप्यूटर पहले पहले आया होगा तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम रखी होगी, फिर उसमें यूज़र्स कौन होते हैं, आप और हम तो यूज़र नहीं रहते, आप और हम तो टिकट बुक करते हैं, लेकिन एक्चुअल यूज़र रहते हैं उनके अफसरान, जो उसमें ट्रेन का नंबर ऐड करेंगे, फ्रंटियर मेल का टाइम चेंज करेगा वो लिखेंगे, कोई बोगी बदल गई ये लिखेंगे, ये सब जो यूज़र रहते हैं उनको अपनी अपनी फाइलें, अपना अपना काम रखने के लिए ये सब जो काम करते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र क्रिएट करते हैं, पासवर्ड बनाते हैं शुरू में, फिर बाद में यूज़र पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, उनकी फाइल सिस्टम बनाते हैं अलग अलग, फाइलों के नाम वगैरह उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को बता देते हैं कि कंपाइलर कौन सा है, लोडर कौन सा है, एडिटर कौन सा है। और हमारे यूज़र का जो इंटरेक्शन होता है वो मैंने समझाया था कि पहले आपको अपना लॉगिन आईडी टाइप करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा। एक बार आपने पासवर्ड टाइप कर दिया तो आपको एक अपनी एनवायरनमेंट मिल जाएगी, हो सकता है वो हर यूज़र के अलग अलग एनवायरनमेंट हो, बाद में आप ये भी देखेंगे कैसे अपनी एनवायरनमेंट आप बदल सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी कि आपको एक होम डायरेक्टरी मिल जाएगी, आपकी जो भी फाइलें होंगी डेटा फाइलें उसमें आप रख सकते हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, और आप किसी दूसरे की फाइल डिलीट विलीट नहीं कर सकते, इतनी सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम दे देते। दो तरह के इंटरफेस देती है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है और एक कमांड लाइन इंटरफेस होता है। तो दोनों तरह के इंटरफेस में, कमांड लाइन इंटरफेस में एक डॉलर प्रॉम्प्ट आता है और डॉलर प्रॉम्प्ट के आगे आप जो कमांड लिखते हैं उस कमांड का एग्जीक्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम करेगी। अगर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, आपने वेब सर्व किया है कभी, वेब पे वेब कोई देखा है साइट, गूगल या कोई तो भी ऐसा, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में क्या करते हैं, आप माउस से क्लिक करते हो ब्राउज़र के आइकॉन के ऊपर, तो एक्चुअली ब्राउज़र के आइकॉन के ऊपर क्लिक करने का इफेक्टिव मतलब है कि आप किसी कमांड लाइन इंटरफेस में लिख रहे हैं ब्राउज़र का नाम, जो वो लिख के जो होगा वही वो उसके ऊपर माउस क्लिक करने से हुई, यानी माउस क्लिक करके भी आप एक तरह से कमांड नहीं दे रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, भाई मेरे लिए ब्राउज़र खोल के दो। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्शन करने के दो तरीके हैं, एक तो ग्राफिकल इंटरफेस और एक कमांड लाइन प्रॉम्प्ट, और ये दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं लैब। तो ये किस तरह से कमांड दी जा सकती है, ग्राफिकल इंटरफेस में आप माउस लेके कर्सर घुमाएंगे और जिस जगह पे आ गया वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर ग्राफिकल कमांड लाइन इंटरफेस है तो एक डॉलर सिंबल आएगा, वहाँ पे आप कमांड लिख देंगे।
इसके बाद मैंने कई ऐसे स्क्रीन्स बताए थे जो आपको अवगत कराते कि किस तरह से ये दिखेगी ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट। तो ये अलग अलग स्क्रीन्स मैंने बताए थे किस तरह से कमांड विंडो दिखेगी, किस तरह से ये कुछ कमांड्स है, पीडब्ल्यूडी का मतलब प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो आप अपने कौन सी डायरेक्टरी में ये पता चल जाएगा। ls का मतलब है लिस्ट, तो कौन सी फाइलें पड़ी हैं आपकी डायरेक्टरी में। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नाम की एक डायरेक्टरी है, cpp प्रोग्राम नाम की एक डायरेक्टरी है। ये ब्लू में आता है इसका मतलब ये फाइल नहीं है, ये सब डायरेक्टरी है। सब डायरेक्टरी में आप और एक कमांड है वो अभी इस डायरेक्टरी से दूसरी सब डायरेक्टरी में चले जाओ, उसको बोलते हैं cd चेंज डायरेक्टरी। ये कुछ बेसिक कमांड्स हैं, ये आपको लैब इंस्ट्रक्शंस में मिल जाएंगी जो आपको जरूरत पड़ेगी जिन इंस्ट्रक्शंस की लैब के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड्स भी एक बड़ा अलग विषय है। तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को वो पूरे लंबे तरीके से सेमिस्टर भर पढ़ाया जाता है, हमारे पास उतना टाइम तो है नहीं। तो जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि हमें कार चलाना सीखना है, हमें ये नहीं जरूरी सीखना कि वो इंटरनल कंबशन इंजन किस तरह से काम कर रहा है या क्लच दबाने से एग्जैक्टली इंजन का कैसा डिसंगेज हो जाता है व्हील से या ब्रेक दबाने से क्या हाइड्रोलिक सिस्टम चलती है, जरूरी नहीं। हमें यह जानना जरूरी है कि ब्रेक पेडल पे ब्रेक दबाए तो गाड़ी रुक जाएगी, एक्सेलेटर दबाए तो गाड़ी आगे बढ़े, स्टीयरिंग लेफ्ट को घुमा तो लेफ्ट को घूमे, और वो हमें ठीक से करना है। हमें अगर लेफ्ट को घूमना है तो स्टीयरिंग राइट में नहीं घुमाना चाहिए, बस इतना हम समझ लें। तो जो मिनिमल कमांड्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम को काम करवाने के लिए जरूरी है उतना ही हम सीखेंगे अभी, और उसमें भूल भाल गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, गलती करी तो क्या करेगा कंप्यूटर, कुछ गलत जगह चला जाए। एक सबसे बड़ा एडवांटेज आप कंप्यूटर्स के सिलसिले में याद रखिए, आप और हम बात कर रहे हैं और बात करने में मैंने गलती करी तो सामने वाला नाराज हो सकता है, गाली भी दे सकता है, कंप्यूटर कभी भी गाली नहीं देता, कंप्यूटर चिल्लाता नहीं। आप गलती करो तो कंप्यूटर कुछ तो गलत कर देगा, फिर डॉलर प्रॉम्प्ट दे देगा मैं क्या करूं। तो आप आराम से गलती कर सकते हो, गलती को सुधार भी सकते, खाली एक गलती मत करना। उसमें एक कमांड रहती है कि ये फाइलें निकाल दो, उसको बोलते हैं rm कमांड, रिमूव। यानी आपने कोई फाइल बनाई है उसकी अब जरूरत नहीं है, आप जगह बनाना चाहते हैं डिस्क में, आपने rm बोल दिया, वो कमांड अगर आपने गलती से दे दी और आपके फाइलें चली गई और बाद में आप उसको ये नहीं कह सकते कि मेरी फाइलें वापस लाओ, तो वो rm कमांड जो है वो कभी मत देना। बाकी कोई भी कमांड कभी भी दे दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, रिकवर कर सकते। कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर लैब में जाने के बाद गलती करने से हिचकिचाइए मत, ये सोचने में समय मत सोचिए कि अरे भाई ये क्या सही है क्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप गलत टाइप करेंगे तो वो फिर से डॉलर आ जाएगा, आपको समझ में नहीं आई, आपके पास टीचिंग असिस्टेंट का उससे बात कर लें। और जो हिदायतें हैं जो कागज में लिखी होंगी, जब आप लैब में जाएंगे तो कागज मिलेगा, हम लोग वेबसाइट में पहले से उसे लिंक बना के रख देंगे तो आप पहले भी उसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि इस बार कोई सबमिशन नहीं है इसलिए पहले से हम लोग नहीं लैब की हिदायत दे रहे, वहीं पे जाके आपको पता चलेगा। अगले लैब के बारे में हिदायतें वेबसाइट पे गुरुवार को मिल जाएंगी, पहले मतलब इस गुरुवार को आपको अगले हफ्ते के लैब की हिदायतें मिल जाएंगी, तो आप उसको वीकेंड में पढ़ के देख सकते हैं क्या करना है। तो इस तरह से मैंने ये बताया था, ये एडिटर विंडो है, किस तरह से एडिट किया जाता है, इस तरह से ये कर्सर रहेगा। कल आपने जैसे टाइपिंग किया था, इस तरह का टाइपिंग आपको करना पड़ेगा प्रोग्राम के लिए। चूंकि टाइपिंग बड़े प्रोग्राम करने में समय लगेगा, इसलिए हम हर लैब में एक बड़ा लिखा हुआ प्रोग्राम आपको एक फाइल में दे देंगे, तो आप वो फाइल डाउनलोड कर लें, अपने डायरेक्टरी में रख लें, फिर उसको खाली एडिट करें। जैसे पहले लैब में एक एक्सरसाइज है कि एक प्रोग्राम लिखा है, हेलो वर्ल्ड, आपने देखा था प्रोग्राम, वो प्रिंट करता है हेलो वर्ल्ड, तो वो प्रोग्राम आप चला के दिखेंगे खुद कि चलता है, हेलो वर्ल्ड बोलता है, और उसको फिर आप एडिट करेंगे। तो उसमें वो लैब असाइनमेंट क्या है कि उस एडिट करके आपका रोल नंबर और नाम लिखें। जैसे यहाँ पे मैंने नाम लिखा है मेरा, तो ये नाम आप काट दें, उसके साथ आपका नाम लिखें। ये डिपार्टमेंट ऑफ CSE लिखा है, उसके आगे आप डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग लिखें। यानी आप एक्चुअली एडिट कर रहे हैं शब्दों को, प्रोग्राम आप बदल नहीं रहे, हिदायत तो वही है उसकी, सी आउट हेलो वर्ल्ड, दैट्स ऑल। ये टर्मिनल पे किस तरह से प्रोग्राम कंपाइल किया जाता है, एडिट किया जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है, इसकी कुछ हिदायत, ये सैम्पल हैं। अब ये जरूरी नहीं कि आप जब कंप्यूटर पे बैठे तो आपको ये इतना सब आए, ये मेरे कंप्यूटर पे इस तरह के का आता है। जब आप लॉग इन करेंगे तो आपको होम डायरेक्टरी का नाम शायद वहाँ आएगा, कुछ कंप्यूटर होंगे जिसमें खाली डॉलर साइन आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको, तो बस इतना जानना है कि एक डॉलर सिंबल आ गया तो यहाँ के आगे जो भी आप लिखेंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक कमांड होगी,
और जो भी आप कमांड देंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूट करेंगे। ये कमांड है जैसे सीडी यानी चेंज डायरेक्टरी। मैं अभी होम डायरेक्टरी में यहाँ पे, और मैंने एक सब डायरेक्टरी बनाई है जिसमें मैंने प्रोग्राम फाइल्स रखी हैं, उस सब डायरेक्टरी का नाम मैंने रखा है सीपीपी प्रोग्राम्स। तो मैं जब बोलता हूँ सीडी सीपीपी प्रोग्राम्स, इसका मतलब है कि भाई मैं आज अभी इस डायरेक्टरी में हूँ, मेरी जो प्रोग्राम की फाइल है उस सब डायरेक्टरी में रखी हुई है, तो चेंज डायरेक्टरी टू दैट सब डायरेक्टरी, वहाँ चले। आप ऐसा समझ लीजिए फाइल सिस्टम जो है एक घर है, उसमें कमरे बने हुए हैं, हर कमरा बने एक डायरेक्टरी है। आप बड़े हॉल में जब जाते हैं तो वो आपकी होम डायरेक्टरी हो गई, लेकिन होम डायरेक्टरी में आपने कोई फाइलें नहीं रखी, कुछ फाइलें बेडरूम में रखी है, कुछ किचन में रखी है, कुछ कहीं रखी। तो आप वो अभी आपको वहाँ जाना है कि आपको ये प्रोग्राम फाइल है आपने इसे बेडरूम में रखी, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कहीं नहीं जा सकते। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को बोल रहे हैं चेंज डायरेक्टरी टू बेडरूम, कि मुझे बेडरूम में लेके जाओ, फिर वहाँ से वो मेरी फाइल उठाओ, फिर मुझे वो एडिट करना है, वो एडिटर खोल के दो। ये हिदायतें जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को दे रहे हैं वो ये हिदायतें आप डॉलर प्रॉम्प्ट पे देंगे, और किस तरह से इंस्ट्रक्शन दी जाएगी वो आपको बिल्कुल लिख के दिया जाएगा कि पहले ये करो, फिर ये करो, ये करो, और वो आपको मैकेनिकली करना है। जैसे जैसे करते जाएंगे कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन गाड़ी चलेगी, अपन कार चलाना सीख रहे, वो ब्रेक क्यों काम कर रहा है, गलती से ब्रेक दबा दिया तो गाड़ी रुक गई आगे बढ़ने की बजाय, फिर से हिदायत पढ़ो कि नहीं, बोले एक्सेलेरेटर पेडल दबाओ, अभी एक्सेलेरेटर दबाओ। रास्ते में आप चलते हैं, रास्ता घूम रहा है, तो उस समय हिदायत होगी स्टीयरिंग दाहिने को घुमाओ, अगर बाई तरफ घुमाए तो दीवार से टक्कर हो जाएगी। तो ऐसा करते करते आप इंस्ट्रक्शन देना ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने आप समझ लें। तो ये तो मेरा फर्स्ट लेक्चर था इस तरीके का। Thank you.